ओम शांति। आपका प्रश्न है, सूक्ष्म शक्तियों को नियंत्रण कैसे करें? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये सूक्ष्म शक्तियां क्या हैं? ये सूक्ष्म शक्तियां क्या हैं? आत्मा इतनी सूक्ष्म जो दुनिया की किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम आत्मा को नहीं देख सकते। और उसकी भी सूक्ष्म शक्तियां, आज हम उनको बुद्धि से समझने का प्रयास करें। कितना ध्यान देंगे उतना आप अच्छी तरह इसे समझ सकें। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं तीन, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, जिसमें आप ये तरंगे उठती हुई देख रहे हैं, मन का काम है संकल्प उत्पन्न करना। ये आत्मा के अंदर कैसे होते हैं मैं आपको पहले वे दिखा दूं। जैसे हम किसी भी एलिमेंट के सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु को एटम कहते हैं, उस एटम में भी तीन चीजें होती, उनको विज्ञान की भाषा में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और आध्यात्मिक भाषा में हम उसे मन, बुद्धि और संस्कार कहेंगे। इसका मैकेनिज्म समझ लेंगे तो आत्मा के भी सिस्टम को समझना आसान हो जाएगा। एटम की जो आउटर लेयर है, जिसे आप ये ब्लैक रिंग में देख रहे हैं, तीन गोले भी देख रहे हैं, ये घूमते रहते, एक्टिव होते हैं और ये किसी भी चीज के संपर्क में आएंगे, उसके मैसेज को अंदर न्यूट्रॉन के पास पहुंचाएंगे। न्यूट्रॉन बुद्धि, और वे न्यूट्रॉन जो कुछ भी एक्ट या डिसीजन देता है वो रिकॉर्ड हो जाता है प्रोटॉन में, संस्कार बन जाता है। अब हम देखेंगे कि मन एक आउटर लेयर है और ये आउटर लेयर का काम है बुद्धि के संपर्क में आना, बॉडी के संपर्क में आना, ये शरीर के संपर्क में आती है। अब जो भी बॉडी से मैसेज आते हैं उनको ये बुद्धि के पास पहुंचाती है और बुद्धि उसको निर्णय करती है कि हमें ये करना है या नहीं करना है, या इसके लिए
हमने क्या करना है, हमने उसको किस प्रकार से लेना है। जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया उसके प्रति करनी है उसका फैसला बुद्धि करती है, और जो बुद्धि फैसला करती है वो फैसला मन जाकर इस शरीर के द्वारा उसके साथ कराता है। तो मन का काम है बॉडी लैंग्वेज को ट्रांसफर करना स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, जिससे बुद्धि समझ सके, और बुद्धि के मैसेज को ट्रांसफर करना बॉडी लैंग्वेज में ताकि बॉडी उसे समझ सके। तो मन जो है वो शरीर और बुद्धि के बीच का बिचौलिया कहो, दलाल कहो, मीडिएटर कहो, बॉडी और बुद्धि के बीच का बिचौलिया मन। जो डिसीजन बुद्धि देती जाती है, बार बार डिसीजन देती है, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, आदत बन जाते हैं। अब हमने इन तीनों को नियंत्रण करना है। तो बाबा बार बार मूल्यों में कहते, बुद्धि से याद करो, मन से याद करो नहीं कहते, संस्कार से याद करो नहीं कहते। मन मना भाव जो बाबा ने ज्ञान दिया है वो बातें बुद्धि को समझानी है, वो बातें बुद्धि को समझानी। जैसे जैसे बुद्धि उसे स्वीकार करती जाएगी वैसे वैसे निर्णय शक्ति या संस्कार बनते जाए, क्योंकि जो संस्कार बन गए वो मन बहुत जल्दी समझ जाता है। बहुत कुछ बोलना करना भी शुरू कर देता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि बाबा की श्री मत मन के द्वारा बुद्धि को समझाई जाती है, और बुद्धि उसे तर्क सहित जब समझ लेता है तब हमारे संस्कार बनते, जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता है। तो हमें परमात्म डायरेक्शन पर बुद्धि के द्वारा मन को कुछ निर्देश देते हैं जिनको वो सीधा परिवर्तन करता रहता है। उसके बाद जब संस्कार हमारे बन जाएंगे तो फिर बुद्धि का फैसला नहीं चलता। तो मन बुद्धि और संस्कार ये तीनों परमात्मा के समझाने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाए हैं, परंतु कौन कितना धारण करेगा, कितना समझेगा, ये बात सोचने वाली, समझने वाली और मंथन करने वाली।
तो इन तीनों को कंट्रोल करना है बाबा की श्रीमत पर और जाकर के अपने आप को उन गुणों से संपन्न बनाना है। जैसे जैसे आप पवित्र बनते जाएंगे तो आपके जीवन से ये बुराइयां निकलती जाएंगी और सूक्ष्म जो शक्तियां हैं वो आपके कंट्रोल में आती जाए। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, और नहीं। ओम शांति।